हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है बिटवीन टू फेमस सनस्क्रीन एंड टू फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ माइन। तो दोनों ही प्रोडक्ट मामाअर्थ से है एंड द कंपैरिजन इज बिटवीन मामाअर्थ हाइड्रोजेल इंडियन सनस्क्रीन एंड मामाअर्थ एक्वाग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल। तो इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया था, तो व्यूज से लगा कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वो वाला वीडियो। एंड दोनों ही मतलब जेल बेस्ड है, तो मैंने सोचा कि मैं कंपैरिजन वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके स्किन पे कौन सा सूटेबल रहेगा। एंड मैं शेयर करूँगी इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड प्राइसिंग, पैकेजिंग, एवरीथिंग मैं इसका शेयर करूँगी, प्राइस, शेल्फ लाइफ, एवरीथिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बिसाइड इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना जो मतलब जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगी मामाअर्थ एक्वाग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल के बारे में। सो यू गेट 50 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे छोटू सा एक बॉटल मिलता है आपको। इसका आउटर पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। वो अगर आप लोग देखना चाहें तो आई विल लीव द लिंक हियर इन द आई बटन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि वो जाके आप लोग इसका एलाबोरेट रिव्यू देख सको। तो यू गेट 50 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस है ₹399। इसका शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। तो द मेन ये एक फिजिकल सनस्क्रीन है और फिजिकल सनस्क्रीन का यही खास बात होता है कि ये आप लोग के स्किन में ऑब्जॉर्व नहीं होती है, मतलब एक आउटर मतलब लेयर बना देती है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करती है एंड इट डज नॉट गेट ऑब्जॉर्ब इन द स्किन। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हर एक फिजिकल सनस्क्रीन में आपको ये दो प्रोडक्ट मतलब दो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इसमें फ्रेगनेंस यूज किया गया है, फेनॉक्सी इथेनॉल यूज किया गया है प्रिजर्वेटिव। एंड इसमें काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जैसे हाइलुरोनिक एसिड है जो कि मॉइस्चर आपके स्किन का मॉइस्चर जो है वो रिटेन करती है। एंड यू हैव टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन एवरी 6 आवर्स मतलब फॉर बेस्ट रिजल्ट। और आपको सनस्क्रीन एनी हाउ मतलब आप जब बाहर जा रहे हो 20 मिनट्स पहले आपको लगाना चाहिए, लगा के फिर आपको निकलना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो इसमें सोडियम बेंजोइट भी है, IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेगनेंस भी इसमें यूज किया गया है। एंड इसमें हिमालयन थर्मल वाटर भी है। तो ये एक नया रेंज है मतलब मामाअर्थ की तरफ से। तो इसका मैंने मतलब जो हिमालय मतलब एक्वाग्लो रेंज में जो फेस वॉश है उसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया था। तो सारे में हिमालयन थर्मल वाटर यूज किया गया है एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। सो वन ऑफ देम इज सनफ्लावर सीड ऑयल एंड इसमें कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया है, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सोडियम बेंजोइट है, थर्मल वाटर है। एंड इसमें जाइलिटॉल है, कैप्राइलिक एसिड है, ग्लिसरील स्टेराइड है। बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं। तो मैं आपको और इसका खास बात ये है बीइंग अ फिजिकल सनस्क्रीन ऑल्सो ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, ये आपके स्किन में काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड इट कैन बी यूज अंडर मेकअप एज वेल। तो मैं इसका कंसिस्टेंसी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसे कंसिस्टेंसी में आती है, मतलब देख के लगेगा कि क्रीम है लेकिन ये एक जेल बेस्ड है, बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है। बीइंग अ फिजिकल सनस्क्रीन ऑल्सो इट इज नॉट दैट मच हेवी। मैं इसको हाथ में ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कोई भी व्हाइट कास्ट इससे नहीं छोड़ा है। तो दिस इज अ बेस्ट पार्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिजिकल सनस्क्रीन ऑल्सो डज नॉट लीव एनी व्हाइट कास्ट। और इसका स्मेल काफी रिफ्रेशिंग है, मतलब आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। दो दिस डेज पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मतलब परफ्यूम और एनी फ्रेगनेंस मतलब फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट के तरफ अलाइन हो रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेगनेंस यूज किया गया है वो काफी रिफ्रेशिंग है एंड इट इज IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेगनेंस भी है। तो आप लोग बेझिझक इसको यूज कर सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन टिल डेट। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है मामाअर्थ हाइड्रोजेल इंडियन सनस्क्रीन एंड ये भी आपको 50 ग्राम मिलता है एंड यू गेट 50 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस है ₹399। दोनों का प्राइसिंग सेम है, दोनों का वेटेज सेम है एंड दोनों का शेल्फ लाइफ भी सेम है। 2 ईयर्स आपको शेल्फ लाइफ मिलती है इस सनस्क्रीन के भी। तो ये एक ट्यूब टाइप में आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह है। तो कमिंग टू माय रिव्यू, मतलब जो एक्वाग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल आ रही थी उससे पहले मैं इसको यूज कर रही थी, बिकॉज ये भी एक मतलब जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, तो देखने में क्रीम बेस्ड है लेकिन ये मतलब जब यूज करेंगे तो जेल बेस्ड है एंड काफी अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इसका कंसिस्टेंसी चलिए चेक कर लेते हैं। और इसका इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ किया गया है वो एक एलोवेरा है एंड रेस्पबेरी है, एंड इट इज़ फॉर सन प्रोटेक्शन एंड इट हैज़ SPF 50 एंड इट ऑल्सो हैज़ PA+++। तो इसका भी सेम है, तो इसमें भी SPF 50 है एंड PA+++ है। तो ये दोनों ही ब्रांड, मतलब ये दोनों ही सनस्क्रीन पैराबेन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप है। दो मैं बोलूँगी दोनों ही स्किन मतलब जो सनस्क्रीन है वो कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए दोनों ही बहुत असरदार है एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम द डेंजरस रेज ऑफ सन। तो चलिए इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मतलब कुछ ही सेकंड्स में ये मेरे स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है। तो दोनों ही सनस्क्रीन मतलब अप्लाई करने के बाद एक कूलिंग इफेक्ट देगी आपको, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि आपका जो स्किन सरफेस है वो एकदम ठंडा हो गया, मतलब एक कूलिंग सेंसेशन देगी। तो मतलब बिफोर स्टेपिंग इनटू द सन, मतलब वो कूलिंग इफेक्ट आप लेके सन में जाएंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विथ बोथ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। मतलब ये आने से पहले मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो दोनों ही प्रोडक्ट मैं अभी साइमल्टेनियसली यूज़ करती हूँ। और सन में जाने से पहले मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि 15-20 मिनट्स पहले मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँ, उसी के बाद ही मैं घर से निकलूँ, या फिर घर में भी रहती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग वगैरह करना होता है। एंड मतलब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कौन से स्किन के लिए कौन सा जाएगा, तो बोथ द सनस्क्रीन्स आर वेरी गुड फॉर ऑयली टाइप स्किन, मतलब सेंसिटिव ऑयली स्किन, क्योंकि ड्राई स्किन वाले अगर यूज़ करेंगे तो जेल बेस्ड है तो आप लोगों को मतलब थोड़ा ड्राई आउट होने का मतलब चांसेस रहेगा। तो इसका जो इंडियन सनस्क्रीन है, इंडियन अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन जो है वो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाइड्राजेल सनस्क्रीन और इंडियन अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन का एक कंपैरिजन शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, तो आप लोग जाके वो दोनों का कंपैरिजन चेक कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोनों ही सनस्क्रीन। तो मेरा रिव्यू अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। हाई दिस इज तानिया, आई शेयर डिफरेंट रिव्यू वीडियोज़ एंड कंपेरिजन वीडियोज़ ऑफ टू प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स, एंड मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती थी लेकिन कम हो गया रेसिपीज़ का वीडियो। एंड प्लीज़ Make sure you subscribe to my channel. Also hit the notification bell icon beside it so that you get notified whenever I post a new video. Thank you so much for watching the video, guys. Bye bye.